हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजम में। दोस्तों, आज एक टॉपिक से शुरुआत करते हैं, समाज में लैंगिक मुद्दे यानी लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा किसे कहते हैं। यानी समाज में जो लिंग होता है, दो प्रकार का पाया जाता है, एक मेल एक फीमेल, तो उनके बारे में जो धारणाएं हैं हमारी, जो प्रचलित धारणा है जो हमने बना के रखी हैं कि लड़की किसके लिए होती है, लड़का किसके लिए होता है, लड़कों को बाहर पढ़ना जाना चाहिए, लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहिए, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस वाले चैप्टर से, आज वाली वीडियो से कंपलसरी आप चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे DSSSB हो, चाहे REET हो, आपको दो क्वेश्चन कंपलसरी मिलेंगे। पिछले सुपर टेट की बात करें तो दो क्वेश्चन आए, पिछले यूपी टेट की बात करें तो दो क्वेश्चन आए, पिछले सी टेट की बात करें तो दो क्वेश्चन आए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखो, समाज में लैंगिक मुद्दे क्या होता है, थोड़ा मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखो, लैंगिक असमानता का कारण स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि उनके बारे में प्रचलित या तयशुदा रूढ़बद्ध धारणाएं हैं। यानी लैंगिक असमानता का कारण स्त्री पुरुष की जैविक, जैविक मीन्स होता है शारीरिक, यानी जो हमारे समाज में जो लिंग पाए जाते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, मेल और फीमेल। एक और होता है वो अलग होता है, लेकिन हमें यहाँ पर दो प्रकार के लिंग की बात करनी है, मेल और फीमेल। यानी जब उन व्यक्तियों की पहचान होती है तो उनके शरीर से नहीं होती, उनकी जैविक बनावट से नहीं होती, बल्कि उनके बारे में जो रूढ़बद्ध धारणा है जो हमने पहले से तयशुदा बना रखी हैं उनके आधार पर होती हैं। देखो, बचपन से ही माता पिता के मन में पालन पोषण के समय यह मान्यता बैठा दी जाती है कि लड़कियां सिर्फ घर के काम काज के लिए बनी है, जबकि लड़के बाहर नौकरी करने या बाहर रहकर पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए बने हैं। ये
ही होता है दोस्तों। यानी बचपन से ही माता पिता के मन में पालन पोषण के समय यह मान्यता बैठा दी जाती है कि लड़के सिर्फ घर के कामकाज के लिए बनी है, लेकिन गर्ल जो लड़के होते हैं वो बाहर नौकरी करने के लिए बनी है। जब भी घर में कोई वस्तु खाने के लिए आती है तो सबसे ज़्यादा भाई को दी जाती है और सबसे कम बहन को दी जाती है। उससे कहा जाता है कि तुझे क्या करना है, तुझे घर पर ही रहना है। यानी जब हमारे घर में दो एक बहन और एक भाई होता है तो सबसे ज़्यादा फिक्र हमें किसकी रहती है, भाई की, कैसे बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, और लड़कियों को क्या करना है, सिर्फ घर के कामकाज के लिए बना है। घर के अंदर का सारा काम सिर्फ लड़कियों को ही करना है और घर के बाहर का सारा काम लड़कों को ही करना है। ये जो बात हमारे दिमाग में आती हैं उन्हें कहा जाता है समाज में लैंगिक मुद्दे, रूढ़बद्ध धारणाएं या लैंगिक पूर्वाग्रह। यानी जब हम किसी वस्तु या उसके बारे में पक्षपात करते हैं या कुछ सच्चाई को जाने बिना उसके बारे में ऐसी कोई धारणा बना लेते हैं जो सच्चाई से दूर हो, वो कहलाती है समाज में लैंगिक मुद्दे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ से कंपलसरी आपको दो क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। देखो आगे चलते हैं। अब समाज में लैंगिक मुद्दे कितने प्रकार से होता है, देखो समाज में, अब यहां पर हमें पढ़ना है। देखो एक होता है पहला लैंगिक रूढ़बद्धता, दूसरा लैंगिक पूर्वाग्रह, तीसरा लैंगिक पक्षपात। ये दोस्तों दोनों सेम होते हैं। पहला क्वेश्चन आपको इतना समझना है दोस्तों, अगर किसी ऑप्शन में जिस टेस्ट में आप बैठ रहे हैं उसके किसी प्रश्न के उस चार ऑप्शन में से आपको लैंगिक रूढ़बद्धता, लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक पक्षपात अगर ये वाला शब्द दिखाई दे रहा है तो 90% राइट आंसर उसी को लगाना है। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर उसने स्टेटमेंट एक कुछ भी बना के दे दिया लेकिन उसके किसी एक ऑप्शन में लैंगिक रूढ़बद्धता या लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक पक्षपात अगर ये शब्द आता है तो राइट आंसर आपको उसी को लगाना है। पिछले सीटेट में यहां से क्वेश्चन है, पिछले सुपरटेट में यहां से क्वेश्चन है। पिछले सुपरटेट में दो पूछे गए और पिछले सीटेट में दो पूछे गए। अब इनको हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं लैंगिक रूढ़बद्धता। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें जब हम किसी वस्तु कोमा व्यक्ति और गुण के बारे में ऐसी कोई धारणा बना लेते हैं जो सच्चाई से कोसों दूर हो, रूढ़बद्ध धारणा कहलाती है। जैसे पहला लड़कियां सिर्फ घर के
कामकाज के लिए, कामकाज के लिए बनी है। ठीक है। दूसरा, यदि एक शिक्षक विद्यालय में आए अतिथि के सम्मान समारोह के लिए, या उनके खान पान के लिए, लड़कियों को वरीयता देता है, क्या कहलाता है? लैंगिक रूढ़बद्धता या रूढ़बद्ध धारणा कहलाती है। अब समझना दोस्तों, अगर लैंगिक रूढ़बद्धता, लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक पक्षपात, अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको ये वाले शब्द दिखाई दें तो राइट आंसर उसको ही लगा देना। आप क्वेश्चन भी मत पढ़ना, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। अब रूढ़बद्धता किसे कहते हैं? यानी जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या गुण के बारे में कोई एक ऐसी धारणा बना लें जो सच्चाई से कोसों दूर हो, वो क्या कहलाती है? लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा कहलाती है। यानी जैसे लड़कियां सिर्फ घर के कामकाज के लिए बनी है, क्या लड़कियों को पूरा हक नहीं है बाहर जाने का, बाहर जॉब करने का, बाहर नौकरी करने का, बाहर पढ़ने का? लेकिन बचपन में जैसे क्या होता है कि माता पिता के मन में ये मान्यता बैठा दी जाती है कि लड़कियां सिर्फ घर के कामकाज के लिए बनी। अभी भी हम अगर गाँव की तरफ जाएँ तो गाँव में भी एक धारणा बनी होती है कि लड़कियों को सिर्फ घर के कामकाज के लिए ही रहना है। अगर जैसे इस उम्र होती है 16-17 साल की, तो उनकी शादी की तैयारी हो जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में पड़ा है कि उनको सिर्फ कुछ नहीं करना, बस घर का कामकाज ही करना है। या यदि एक शिक्षक विद्यालय में आए अतिथि, यानी एक विद्यालय में अगर कोई एक अतिथि आ रहा है, उसके सम्मान समारोह के लिए, उसके खान पान की व्यवस्था करने के लिए अगर उस विद्यालय का प्रधानाचार्य लड़कियों को वरीयता देता है, तो वो क्या है? रूढ़बद्ध धारणा है। क्या जिन कॉलेजों में गर्ल्स नहीं होती हैं, जो सिर्फ सेपरेट बॉयज कॉलेज होते हैं, क्या उसमें अतिथि का सम्मान नहीं होता? होता है। क्या आप अभी भी देखेंगे तो 70-80% जितने भी होटल हैं उनमें सबसे ज़्यादा लड़के कामकार कर रहे हैं। तो ये सब हमने क्या बना रखी है? रूढ़बद्ध धारणा। जो सच्चाई से दूर हो वो क्या कहलाती है? हमारी लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा कहलाती है। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। यहां से कंपलसरी आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। पहले मैंने ट्रिक बता दिया, अगर ये तीनों शब्द आए तो राइट आंसर उसी को लगा देना। फिर भी अगर आपको समझ में आए तो आराम से पढ़िए, फिर आगे चलते हैं। दूसरा आता है दोस्तों, लैंगिक पूर्वाग्रह। देखो, पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से होता है, इसमें पूर्व के विचारों के आधार पर पक्षपात किया जाता है। ठीक है। जैसे देखो, पहला, लड़के लड़कियों से
अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, दूसरा, वृद्धावस्था में माता पिता का सहारा केवल लड़के होते हैं। तीसरा, लड़कियां हमेशा गणित में कमजोर होती हैं। अब यानी लेंगे पूर्वाग्रह या ये पक्षपात है। कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लेंगे पूर्वाग्रह का संबंध किससे होता है, पक्षपात से होता है। इसमें किसी पूर्व के विचारों के आधार पर पक्षपात किया जाता है। जैसे लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये पहले से विद्यमान हमने एक धारणा बना लिया कि पक्षपात किया जा रहा है कि लड़कियां हमेशा कम बुद्धिमान होती है, जबकि ऐसा गलत है। आजकल आप देखेंगे तो डिफेंस में भी लड़कियां जा रही हैं, आईएएस पीसीएस भी बन रही हैं, तो ये गलत धारणा है। वृद्धावस्था में केवल माता पिता का सहारा केवल कौन होते हैं, लड़के होते हैं। क्या जिन माता पिता के बेटे नहीं होते, क्या उनके सहारा बेटी नहीं होती, फिर भी ये पक्षपात किया जा रहा है। ये लड़कियां हमेशा गणित में कमजोर होती हैं, आजकल लड़कियां डिफेंस में नेवी में सब में जा रही हैं, तो ये सब हमने क्या कर रखा है, ये पक्षपात कर रखा है। जब हम किसी पूर्व के विचारों के आधार पर किसी से पक्षपात करते हैं तो क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह कहलाता है। जब सच्चाई को जाने बिना कोई ऐसी धारा बन जाती है वो क्या कहलाती है, रूढ़बद्ध धारा कहलाती है। इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा, कोई सा भी एक एग्जांपल ऐसे बना के देगा तो आपको राइट आंसर इनमें से ऑप्शन एक आएगा। कभी कभी एक दो बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक दादी ने एक नातिन अपनी यानी एक बेटी अपनी दादी के साथ मेले देखने के लिए जाती है, तो वहां पर वो खेलने के लिए पिस्टल खरीदती है, यानी लड़कों के खेलने वाली पिस्टल खरीदती है। तो दादी उससे ये कहती है कि बेटा ये लड़कों के खेलने की चीज है, तो दादी क्या कर रही है, तो दादी रूढ़िवादी धारा को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि भाई पक्षपात कर रही है, पूर्वाग्रह कर रही है, क्योंकि पिस्टल से लड़कियां नहीं खेलती, वो तो गुड्डे गुड़ियों से खेलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल सब खिलौनों से खेलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखो नोट डाल के, समाज में से लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़बद्ध धारणा को दूर करने के लिए स्त्री शिक्षा सशक्तिकरण तीसरा महिला समाख्या का प्रचार कौमा प्रसार किया गया। ठीक है दोस्तों, अब नोट डाल के यहां पर लिखेंगे महिला समाख्या का अर्थ क्या होता है।
महिला समाख्या होती है स्त्रियों की। समानता के लिए शिक्षा, यानी समाज में से लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा को दूर करने के लिए या रोकने के लिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, स्त्री शिक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया और महिला समाख्या यानी इन तीनों का प्रचार और प्रसार किया गया और गांव-गांव जाकर लोगों को अवगत कराया गया कि आप अपने बेटे और बेटियों को समान दर्जा दें और बेटियों को भी आगे पढ़ने का अवसर दें जिससे वो भी अपनी ज़िंदगी जी सकें और अपना जीवन सुधार सकें। अब महिला समाख्या, ये कई बार पूछा गया कि महिला समाख्या किसे कहते हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा, यानी स्त्रियों को भी समान अवसर मिलने चाहिए, लड़कियों को भी लड़कों की तरह समान अवसर मिलने चाहिए। जैसे हम लड़कों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, ऐसे हम लड़कियों को भी बाहर पढ़ने के लिए अब बाहर भेजें जिससे वो अपने जीवन जी सकें, अपने क्षेत्र में अव्वल हो सकें और अपना अच्छा सा फ्यूचर निर्माण कर सकें। ये था दोस्तों समाज में लैंगिक मुद्दे। यहाँ से कंपलसरी आपको दो क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। हर बार चाहे आप यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, किसी भी टेस्ट में बैठेंगे आपको कंपलसरी इस चैप्टर से दो क्वेश्चन मिलेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।